हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों की बुद्धि का परीक्षण लेने वाला हूं। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कितना पता है। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, पहली टाइप में आपको देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, घास पात जो भी मिल जाए खा खा कर मैं जीती, पानी पीते ही मर जाती पानी कभी ना पीती, तो बताओ ये क्या चीज है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो घास पात या कुछ भी मिल जाए उसको खाकर वो जीत लेती है, बट जो पानी कभी नहीं पीती है और अगर पानी पी लेती है तो वो मर जाती है। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, अगर आप सोच सकते हो तो सोच के बताओ ऐसी क्या चीज है जो पानी पीने पे मर जाती है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। अगर आप इसको जल्दी से पता कर सकते हो तो पता करो, और आप इसके लिए हेल्प ले सकते हो, अपने भाई बहन घर में किसी से भी पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो कुछ भी मिल जाए खाकर जीती है लेकिन पानी पीते ही मर जाती है। चलिए, तो आप लोगों को अगर पता नहीं चला हो तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है आग। इसका आंसर क्या है? आग। आग है, आग को आप कुछ भी दे मिल जाता है वो जला देता है, यानी से आप फायर भी कह सकते हो। यानी आग है जो घास पात या कुछ भी मिल जाती है तो वो जला देती है, यानी उसको खाकर वो जीती है, लेकिन पानी जैसे ही आप डालते हो वो बुझ जाती है, यानी कि वो मर जाती है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, खाना कभी नहीं खाता वह ना ही पीता पानी, उसकी बुद्धि के आगे तो हार माने सब ज्ञानी, बूझो तो क्या है। बता सकते हो तो बताओ क्या है। खाना कभी न खाता हुआ ना ही पीता पानी, उसकी बुद्धि के आगे तो हार माने सब ज्ञानी, बोलो क्या है। मुझे पता है कि आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, तो आप जल्दी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आपका आंसर क्या है बताओ? इसका आंसर है आपका कंप्यूटर। मुझे पता है कि आप सबको इसका आंसर मालूम भी होगा, क्योंकि ये सारे बच्चे जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कभी कुछ खाता पीता नहीं है और उसके आगे सब कोई फेल हो जाता है उसकी बुद्धि के आगे। तो इसका आंसर है आपका कंप्यूटर। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की बात। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपको बोर नहीं करूंगा, सिर्फ 2-4 ही क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोंच ना डूबे घड़ा ना डूबे चिड़िया प्यासी जाए, चोंच ना डूबे घड़ा ना डूबे चिड़िया प्यासी जाए, एक अचंबा हमने देखा हाथी खड़ा नहाए, बताओ इसे क्या है। अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो कि सर हमें इसका आंसर पहले से पता था कि क्या होता है, बताओ इसका आंसर क्या है। चोंच ना डूबे घड़ा ना डूबे चिड़िया प्यासी जाए, एक अचंबा हमने देखा हाथी खड़ा नहाए। ऐसा क्या चीज है जिसमें ना तो घड़ा डूबता है ना ही चोंच डूबती है, प्यासी रह जाती है चिड़िया, लेकिन हाथी जो है वो खड़ा होकर नहाता है। पता है आपको? नहीं पता। इसका आंसर है हमारा बारिश। क्या है? बारिश, यानी आप इसको क्या कहते हो? रेन। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोगों को पहले से पता था। अब आज मैं एक और क्वेश्चन पूछने वाला, इसी तरीके से मैं बहुत सारे अब इंटरेस्टिंग बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। पानी से मैं पैदा होता उजला मेरा रंग, स्वाद बढ़ाता घुल मिलकर मैं भोजन के संग, मुझे पता है इसका आंसर सभी बच्चों को मालूम होगा। पानी से मैं पैदा होता उजला मेरा रंग, स्वाद बढ़ाता घुल मिलकर मैं भोजन के संग, बताओ सभी को इसका आंसर पता है ना। मुझे सभी को बच्चों का पता है कि इसका आंसर सबको पता ही होगा। इसका आंसर क्या है? नमक। नमक एक ऐसी वस्तु है जो पानी से पैदा होती है, उसका रंग भी सफेद होता है और वो स्वाद बढ़ाता है, खाने के साथ मिलकर उसका स्वाद बढ़ा देता है, इस वजह से इसका आंसर है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले से पता थे। थैंक यू सो मच।